आज का जो हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड में वो है इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा चार्ट ऑप्शन। तो इंसर्ट टैब के रिबन के कुछ ऑप्शन हमने लास्ट क्लास में देखे थे, आज और कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन हम इसमें देखेंगे। जैसे कि हमने पिक्चर वाला ऑप्शन देखा था और क्लिप आर्ट देखा था, और दोनों में क्या अंतर है वो भी हमने समझा कि क्लिप आर्ट जो है वो वेक्टर इमेज होती है और पिक्चर वाली जो ऑप्शन है उसमें रास्टर इमेजेस मिलते हैं। वेक्टर इमेजेस के कंपोनेंट को हम एडिट कर सकते हैं रन टाइम पर, जबकि इसके कंपोनेंट को एडिट नहीं कर सकते। ये पिक्सल से मिलकर बनी होती है और ये आपके बनी होती है मैथमेटिकल इक्वेशन से। वो अपने आप में एक अलग एरिया है, मल्टीमीडिया का एरिया है पिक्चर और वेक्टर और रास्टर इमेज। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये वेक्टर इमेज होती है, ये रास्टर इमेज होती है। अच्छी परफॉर्मेंस वेक्टर इमेज की होती है, कभी वो पिक्चर फटती नहीं है और उसको हम रन टाइम पे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमने शेप ऑप्शन भी देखा था, कुछ शेप हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप इस टाइप के शेप्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे ही आप शेप बनाएंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉइंग टूल्स आ जाते हैं, उनमें आप कलर फिल कर सकते हैं, उसकी शेडो क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से आप शेप्स वगैरह भी बना सकते हैं। ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये तब आपको यूजफुल लगते हैं बहुत, जब आप कोई मैगजीन या कोई कॉमिक बुक या कोई अलग प्रकार का ग्राफिकल डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इंसर्ट में एक और ऑप्शन है चार्ट और एक और ऑप्शन आप देख रहे हैं स्मार्ट आर्ट। ये दोनों ऑप्शन भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं किसी मैगजीन या फिर कोई ग्राफिकल डॉक्यूमेंट में। किसी हम आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्ट। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि चार्ट ऑप्शन जो है हमारे इंसर्ट टैब में उपलब्ध है। इंसर्ट टैब में चार्ट ऑप्शन दिखेगा आपको। तो चार्ट ऑप्शन का यूज क्यों किया जाता है, सबसे पहला तो चार्ट होता क्या है। चार्ट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो चार्ट किसी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर हमारे पास कोई डेटा सेट है रो और कॉलम के रूप में या शीट के रूप में, तो फिर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट के द्वारा। चार्ट से रिप्रेजेंट करने से कोई भी डेटा आसानी से समझ में आता है और जल्दी समझ में आता है। तो किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेहतरीन और ग्राफिकल तरीका चार्ट ही है। अब चार्ट जो है आपका इंसर्ट टैब में मिलता है और चार्ट में आप देखेंगे कि एमएस वर्ड में कई टाइप के चार्ट हैं। तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनके पॉइंट में नाम भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में अगर इंसर्ट चार्ट आता है तो आप यहां पर उनके नाम लिख सकते हो कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ऐसे कई प्रकार के चार्ट हैं। क्लियर। और इन कॉलम चार्ट के अंदर ये कई कैटेगरी दिख रही है, लाइन चार्ट के अंदर ये कई कैटेगरी दिख रही है, पाई चार्ट के अंदर ये कैटेगरी दिख रही है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि पाई चार्ट कैसा दिखता है, लाइन चार्ट कैसा दिखता है। अलग अलग फील्ड पर अलग अलग टाइप के चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, क्योंकि अलग अलग चार्ट जो है अलग अलग टाइप के डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मुझे परसेंट वाइज रिप्रेजेंटेशन करना है, परसेंट का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो पाई चार्ट सबसे बेहतर होता है। मुझे किसी कंपनी का ग्रोथ दिखाना है तो लाइन चार्ट सबसे बेहतर होता है, ये ग्रोथ दिखता है उसमें। इस तरीके से अलग अलग टाइप के चार्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे एरिया चार्ट है और आपका स्टैक है, सरफेस है, 3D चार्ट्स भी होते हैं। तो अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं जिससे हम अपने डेटा को अपनी इच्छा अनुसार अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के चार्ट का जो डेफिनेशन है वो है कि किसी डेटा को, डेटा सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का जो एक तरीका होता है उसको चार्ट कहते हैं। चार्ट दो टाइप के होते हैं, 2D और 3D चार्ट्स। क्लियर। तो हम यहाँ 2D चार्ट्स की बात कर रहे हैं। 2D चार्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें दो एक्सिस होते हैं, ये आपका होता है वाई एक्सिस और ये होता है आपका एक्स एक्सिस। चार्ट की कुछ कैटेगरी है, ये नाम आप याद रख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए आइए देखते हैं कि चार्ट बनाने के लिए हम कैसे डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। तो एमएस वर्ड में पहले से बनी बनाई एक टेम्पलेट दी हुई है, आप उसको बना सकते हैं और उसमें एडिट करके अपने चार्ट को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर चार्ट तैयार करने के लिए पहला स्टेप है इंसर्ट टैब में जाएंगे और चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे क्लिक करते ही इंसर्ट चार्ट का विंडो पॉपअप होगा या डिस्प्ले होगा। इसमें हम अपने चार्ट का टाइप सेलेक्ट करेंगे, हमको किस टाइप का चार्ट चाहिए। तो पहले मैं कॉलम चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ।
सबसे सिंपल चार्ट यही होता है और इसको पहला वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जब मैं ओके करूंगा तो ये मुझे एक डेटा शीट डिस्प्ले करेगा। देखिए यहाँ पर डेटा शीट डिस्प्ले हो रही है, क्लियर है। अब मैं मान लीजिए यहाँ पर डेटा शीट जो डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट का नाम। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अजय, मोहन, रमेश, विजय। मैंने चार स्टूडेंट का नाम लिखा है यहाँ पर, मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, क्लियर। देखिए मैं यहाँ पर एक और बढ़ा देता हूँ, मंजू। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम लिख देता हूँ। मान लो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट का नाम लिखा ऑफिस, यहाँ पर लिखा प्रोग्रामिंग इन सी, और यहाँ पर लिखा कंप्यूटर फंडामेंटल। तो तीन सब्जेक्ट्स के नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पर। अब इनका जो डेटा है, ध्यान से देखिए, मैंने अजय को ना सब में 10 दिया है, 10 10। मैं यहाँ पर डेटा जैसे ही एंटर कर रहा हूँ, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है। अजय को मैं करता हूँ 10 20 सॉरी 10 25 और 30। तो देखिए ये जो पहला वाला है जो अजय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे पास ऐसा इस चार्ट ऐसा डेटा किसी को दिखाऊंगा तो उसको समझना पड़ेगा। अजय को ऑफिस में 10 मिला, अजय को प्रोग्रामिंग इन सी में 25 मिला, ठीक है, ऐसा उनको समझना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा दिक्कत का काम होता है क्योंकि मुझे एक एक डेटा को पढ़ना पड़ता है, क्लियर। अब यहाँ पर मैं ऐसा देख रहा हूं, जैसे मैंने कुछ डेटा फिलअप कर दिया है यहाँ पर, ताकि आप यहाँ पर समझेंगे इसको। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा फिलअप कर दिया है, इस डेटा को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर जो डेटा है, आप अजय को देखिए, यहाँ पर अजय को फोकस करते हैं, अजय का तीन सब्जेक्ट है, तो अजय को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये अजय का तीनों सब्जेक्ट है। आप देखेंगे ब्लू का मतलब है ऑफिस, ब्लू का मतलब है ऑफिस, मैरून का मतलब है प्रोग्रामिंग इन सी, और ग्रीन का मतलब है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो अजय को ब्लू लाइन जो है वो 10, यानी कि अजय को ऑफिस में 10 नंबर मिले हैं। देखिए अजय को ऑफिस में 10, प्रोग्रामिंग इन सी में 25 और कंप्यूटर फंडामेंटल में 30 मिले हैं। तो 10, 25 और 30। वैसे ही मोहन को, मोहन की बात करें तो मोहन को मिले हैं 50, 25 और 35। तो यहाँ पर मिला हुआ है मोहन को 50, 25 और 35। तो इस तरीके से जो डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे अच्छा नंबर जो है वो मंजू ने लेके आया है, क्लियर है। और एमएस ऑफिस में सबसे कम नंबर जो है अजय ने लाया है, कलर से दिख रहा है हमको, क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ग्राफिकली डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चार्ट में बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं आपके, चार्ट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे ही आप चार्ट बनाएंगे, अब इस डेटा को बंद कर दीजिए, चार्ट आपका क्रिएट हो गया है, क्लियर। ये आपका चार्ट क्रिएट हो गया है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये चार्ट क्रिएट होने के बाद हम बहुत सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, उन ऑप्शंस को हम देखते हैं, क्लियर है। तो जैसे ही मैं इस चार्ट को सेलेक्ट करूंगा, आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि एमएस वर्ड में या एमएस ऑफिस के किसी भी पैकेज में, आप जैसे ही कोई चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो उसको एडिट करने के लिए नई यहाँ पर टैब जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पर कुछ टैब्स आ जाएंगे। मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए चार्ट टूल्स आ गए हैं। इसमें तीन टैब है, डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट, बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए ये डिजाइन वाला जो टैब है, इससे मैं यहाँ पर चार्ट टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये कॉलम चार्ट है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ लाइन चार्ट में। देखिए यहाँ पर लाइन चार्ट हो गया, तो अजय का जो ब्लू कलर का लाइन है, इस तरीके से लाइन चार्ट से दिखाया जा सकता है। बट ये डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, इस टाइप के डेटा को कॉलम चार्ट ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है। मैं ऐसा पाई चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको सारे टाइप के चार्ट्स देखने के लिए मिल जाएं।
ये आपका पाई चार्ट है। पाई चार्ट जो होता है वो परसेंट यानी कि इस तरीके से दिखाता है। तो इससे हमको पता चलता है सबसे ज्यादा एरिया, सबसे ज्यादा नंबर जो है वो मंजू का है। देखिए मंजू का जो कलर है ये हल्का ब्लू टाइप का है, सबसे ज्यादा मार्क्स जो है मंजू ने लाया है। और यहाँ पर रखने पर वैल्यू दिखा रहा है 33%, यानी पूरा 33% एरिया जो है वो कैप्चर करके रखा है मंजू ने एमएस ऑफिस में। क्लियर है? इसी टाइप से आप यहाँ पर टाइप चेंज कर सकते हैं। बार चार्ट लिया मैंने, ये बार चार्ट है। एरिया चार्ट आप लेंगे, कितना एरिया जो है वो कवर किया है। तो ऑफिस ने का एरिया ये है और इसका एरिया, जो जितना एरिया कवर करेगा उसका उतना परसेंटेज योगदान होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टाइप के चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देखिए हर टाइप के चार्ट आप एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से हर टाइप के चार्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में दिखाने के लिए इस टाइप के चार्ट्स होते हैं। कुछ नए चार्ट्स भी हैं जो ऐड किए जाते हैं हर वर्जन में, कुछ कुछ नए नए चार्ट्स यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। बबल चार्ट, क्लियर? तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के 2D 3D चार्ट्स यहाँ पर हैं। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल चार्ट जो था वो हमारा ये डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसमें देखिए और क्या क्या ऑप्शन है। अगर आप चार्ट को आप मॉडिफाई करते हैं तो उसको आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं सेव एज टेम्पलेट में। क्लियर है? इसके बाद दूसरा है डेटा। अगर आपको डेटा में चेंजेस करना है, जैसे अजय का नंबर जो है वो 10 नहीं था बल्कि 70 था, गलती से 10 यहाँ पर एंटर हो गया है, अब मुझे इसे चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा ध्यान दीजिए। मैं पहले चार्ट को सेलेक्ट करूंगा, डिजाइन में जाऊंगा, सेलेक्ट या एडिट डेटा में जाऊंगा, ध्यान देना है आपको, सेलेक्ट या एडिट। तो मैं यहाँ पर एडिट डेटा में किया तो यहाँ डेटा हमारा शो हो गया है और अजय का जो नंबर 10 यहाँ पर एंटर हो गया है, जो कि गलती से एंटर हो गया है, उसको मैं यहाँ पर 70 करूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखिए अजय का जो ये ब्लू कलर का जो बार है वो अपना पोजिशन ले लेगा। तो इस तरीके से मैं इस डेटा को कभी भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। किस ऑप्शन के द्वारा? यहाँ पर डिजाइन में एडिट डेटा के द्वारा। क्लियर? यहाँ पर लेआउट दिए हुए हैं और लेआउट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कुछ कलर स्कीम यहाँ पर दी गई है जिसको चार्ट स्टाइल बोलते हैं, तो आप कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कलर स्कीम चेंज कर दी, ये चेंज कर दी, और भी कुछ कलर स्कीम्स दिए हुए हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। मतलब इसका लुक कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ये चार्ट हमारा क्रिएट हुआ है। अब हम देखते हैं कि लेआउट, इसको जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो लेआउट में क्या क्या ऑप्शंस हैं। लेआउट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि पिक्चर या शेप आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई शेप ऐड कर दिया, आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं जैसे, तो ऐसा आप इसको ऐड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर कुछ चीज आप ऐड करना चाहते हैं लेआउट में, लेआउट से, तो आप यहाँ पर कोई कमेंट दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक कमेंट दे दिया यहाँ पर, तो इस तरीके की चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं हमारा दूसरा जो लेआउट में अगला ऑप्शन है वो है हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स मतलब यहाँ पर हमको कुछ ऐड करना है, जैसे मुझे यहाँ साईं कॉलेज का नाम ऐड करना है, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स में लूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लिख लेंगे साईं कॉलेज, और इसका फॉन्ट का कलर जो है वो हमको चेंज करना होगा। तो मैंने यहाँ पर साईं कॉलेज लिखा है और फॉन्ट का जो कलर है मुझे व्हाइट करना होगा। तो इस तरीके से हम कोई कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। क्लियर है? तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ आपको फॉर्मेट याद रखना है कि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे और नाम पढ़ करके आपको समझ जाना है कि ये क्या काम करेगा। उसके बाद भी समझ नहीं आता, आप इसके ऊपर माउस रखिए और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आपको दिखाएगा ये। अब अगला देखिए चार्ट टाइटल, आप यहाँ पर चार्ट टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर
कोई टाइटल दे दिया, हम चाहते हैं तो कि चार्ट टाइटल यहाँ पर देना है तो चार्ट टाइटल दे सकते हैं। चार्ट टाइटल देने के लिए हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस हैं, ठीक है आप देख सकते हैं, और इनका नाम बस आपको याद रखना है, क्लियर है। इसके अलावा लास्ट में मैंने बताया कि सभी के लास्ट में ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा जिसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के चेंजेस कर सकते हैं उसमें, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है एक्सिस का, एक्सिस में आप यहाँ पर एक्सिस को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे रोटेट कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर एक्सिस जो है वो रोटेट करते हुए आएगा। यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मार्क्स, ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो 0 से लेके 100 तक है वो क्या है, मार्क्स, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेस टाइटल भी दे सकते हैं, इस एक्सेस का टाइटल और इस एक्सेस का क्या टाइटल है, तो ये हॉरिजॉन्टल जो आपका टाइटल है वो दे सकते हैं आप नीचे में। यहाँ पर मैं यहाँ पर देता हूँ स्टूडेंट, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये वाला जो नाम है ये स्टूडेंट नेम है, ये वाला जो नंबर दिख रहा है ये मार्क्स है, ये आपका पीजीडीसी रिजल्ट है, और ये साइंस कॉलेज का रिजल्ट है, ये सब्जेक्ट्स के नाम है, और इस तरीके से आप दिखा पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो चार्ट टाइटल एक्सेस टाइटल ये पॉइंट वाइज आपको लिखना है, पॉइंट वाइज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर लीजेंड भी ऐड कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से ये जो आपको दिख रहा है ऑफिस जो था यहाँ पर, जो पहले यहाँ दिख रहा था, आप उसको टॉप में भी सेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट में दिखाना है कि टॉप में दिखाना है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, आप कहीं पर भी लेफ्ट बॉटम राइट अलग अलग टाइप से सेट कर सकते हैं, मतलब इसको पूरी तरीके से आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। डेटा की सीरीज चेंज कर सकते हैं, जैसे सेंटर में दिखाना है आपको तो यहाँ पर डेटा को यहाँ पर लिखा हुआ भी दिखा देगा ये, ताकि आपको पता चले, जैसे ये पहला वाला जो है वो 70 है, तो डेटा सीरीज या डेटा लेबल जो है आपको सेंटर में है और आउटसाइड ऐसा दिखाना है, तो कहाँ पर डेटा दिखाना है, डेटा भी आप डिस्प्ले भी करा सकते हैं ताकि और क्लियरिटी हो जाए कि ये 70% है, क्लियर है। इसके अलावा चाहते हैं आपकी डेटा टेबल भी दिखाई दे तो यहाँ पे डेटा टेबल भी दिखा सकते हैं कि ये डेटा है, दोनों चीज देख लीजिए, टेबल भी देख लीजिए और ग्राफ भी देख लीजिए, एक साथ दिखा सकते हैं, क्लियर है। मतलब कई सारे ऑप्शन है, आप पूरी तरीके से क्लियरिटी दे सकते हैं। यहाँ पर गाइडलाइंस को दिखाने के लिए भी ऑप्शंस है आपके पास, ये जो दिख रहा है ये एक्स एक्सिस को हटाने के लिए ऑप्शंस हैं, और इस तरीके से आप हटा भी सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप पिवोट एरिया डिस्प्ले कर सकते हैं और कई प्रकार के यहाँ पर डिटेल्स डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपको लगता है कि ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट चार्ट एरिया, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे यहाँ पर, जैसे शेडो हो गया, बॉर्डर कलर हो गया, 3D फॉर्मेट हो गया, फिल हो गया। तो यहाँ पर सॉलिड फिल में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप अपने हिसाब से भी कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, मुझे जो भी कलर पसंद आ रहा है मैं वो कलर यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, तो मैनुअली भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्लियर। तो ये मेरा एक चार्ट तैयार हो गया है। अगला जो है फॉर्मेट दिख रहा है, जो लेआउट आपका फॉर्मेट है, इसमें फॉर्मेट के जो कलर्स हैं, जैसे शेप के स्टाइल्स हो गए, शेप के इफेक्ट हो गए, उसकी शेडो देनी है आपको, क्लियर है। और बहुत सारे और ऑप्शन, जैसे टेक्स्ट रैपिंग हो गया, अलाइनमेंट हो गया, जैसे इनका अलाइनमेंट सेंटर है, आप उसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अलाइनमेंट के ऑप्शन दिया हुआ है और टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शंस दिए हुए हैं, और कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपने चार्ट को पूरी तरीके से यहाँ पर देखा कि कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। चलिए आइए इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम, और स्मार्ट आर्ट भी देख लेते हैं। स्मार्ट आर्ट लगभग चार्ट जैसा ही होता है, वो हायरार्किकल डायग्राम को डिस्प्ले करने के लिए बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। जब भी हमारे पास कोई हायरार्की होती है तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम स्मार्ट आर्ट से। तो देखते हैं स्मार्ट आर्ट कैसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमको देखिए स्मार्ट आर्ट का ग्राफिक्स के लिए यहाँ पर पॉपअप डिस्प्ले होगा या विंडो डिस्प्ले होगा। यहाँ पर देखिए कई टाइप के स्मार्ट आर्ट्स हैं, जैसे लिस्ट, प्रोसेस, तो इनका नाम जो है आपको याद रखना है, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल,
हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड। तो आप देखे होंगे कभी कभी कंपनियों में कभी कभी इंटरव्यूज होते हैं या फिर उसमें प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो उसमें इस टाइप के डायग्राम्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में देखते हैं। तो लिस्ट हमारे पास, देखिए ऐसा डायग्राम आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, जैसे मैं ये वाली लिस्ट स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ तो ये किसी लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, पहले टेक्स्ट में क्लिक किया, यहाँ पर लिखा DCA, यहाँ पर लिखा PGDCA और यहाँ पर लिखा BCA। तीनों को मैं अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 year, यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 year लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1 year, लिख देता हूँ 3। तो देखिए यहाँ पर ये स्मार्ट आर्ट जो है इस तरीके से लिस्ट को डिस्प्ले करता है। यानी मैं लिस्ट को पहले ऐसा लिख रहे थे, याद है हमने लिस्ट को पहले इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, ऐसा DCA, PGDCA और BCA, उसको अब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो ज्यादा अट्रैक्टिव तरीका है। ये लिस्ट को डिस्प्ले हमने किया था 1 year, PGDCA को ऐसे किया था 1 year और BCA को किया था 3 year। तो सेम चीज को हमने देखिए स्मार्ट आर्ट से दिखाया है और सेम इसी चीज को हमने मल्टी लेवल लिस्ट से दिखाया। तो ये निश्चित से बात है ये ज्यादा अट्रैक्टिव तरीका है। तो लिस्ट बनाने के हमने अभी तीन तरीके देखे थे कि बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट। एक और एडवांस तरीका है स्मार्ट आर्ट, क्लियर है। तो यहाँ पर आप स्मार्ट आर्ट में बाय डिफॉल्ट 3 दिया हुआ है, तो देखिए जैसे ही आप इस स्मार्ट आर्ट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये मल्टी लेवल लिस्ट ही है, इसका मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले करता है। तो इस मल्टी लेवल लिस्ट को ऐसा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको फिर इस सेम इसको भी हम वैसे ही डिजाइन में जा करके इनके स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, इनके फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं, इनका लेआउट चेंज कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से लिस्ट ऐसे डिस्प्ले हो रही है। तो अब निश्चित सी बात है देख के पता चल रहा होगा कि ये जो है, ये जो तरीका है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है इस तरीके से। ये पुराना हो गया है, आजकल के मैगजीन में आप इस तरीके का बना हुआ लिस्ट देखेंगे। ये क्या है, फोकस जल्दी लोगों का जाता है इसमें। तो अट्रैक्टिव तरीका है, अच्छा लुक आउट तैयार करने का ये एक अच्छा मैकेनिज्म है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, स्मार्ट आर्ट, क्लियर है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिजाइन है और वैसे ही कई सारे यहाँ पर सेटिंग्स है, जैसे आप कलर चेंज कर सकते हैं, इनका लेआउट चेंज कर सकते हैं, डिजाइन चेंज कर सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव डिजाइन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे आपको, क्लियर। देखिए इस तरीके से आप अट्रैक्टिव डिजाइन तैयार कर सकते हैं अपने स्मार्ट आर्ट में। तो स्मार्ट आर्ट का जो पहला ऑप्शन आपने देखा था वो था आपका लिस्ट। इसके बाद प्रोसेस को आप देख सकते हैं, जैसे मैं प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो इस तरीके से मैं प्रोसेस को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकता हूँ कि पहले ओपन MS वर्ड, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, इस तरीके से मैं प्रोसेस को दिखा सकता हूँ। प्रोसेस दिखाने का कई तरीका है और सेम उसी तरीके से आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, 3D तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका था स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोसेस हो गया, साइकिल, अगर किसी साइकिल को दिखाना है कि प्रोसेस जो है वो रोटेशन में है, सबसे पहले ये हुआ फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, इस तरीके से रोटेट करते हुए दिखाना है। तो ये जो साइकिल वाला जो आपके पास है, ये देखिए आप किसी साइकिल को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके द्वारा, क्लियर है। और भी स्मार्ट आर्ट देखिए, यहाँ पर मैट्रिक्स है, रिलेशनशिप है, आप रिलेशनशिप को अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं कि किस टाइप से आप यहाँ पर दोनों के बीच में पर्सन 1 और 2 किस टाइप का रिलेशनशिप है। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के स्मार्ट आर्ट्स दिए हुए हैं। दोनों की डेफिनेशन आपने समझ ली कि किसी डेटा को
ग्राफिकली और अट्रैक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका स्मार्ट आर्ट और चार्ट है। अलग अलग टाइप के डेटा को अलग अलग टाइप के चार्ट और अलग अलग टाइप के स्मार्ट आर्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो डेटा पे डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा किस चार्ट के द्वारा और किस लेआउट के द्वारा ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि लोगों का फोकस उस पर जल्दी जाता है और डेटा बहुत जल्दी समझ में आता है। तो आसान तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है स्मार्ट आर्ट और चार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक था ये है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।